जब इस मूवी का ट्रेलर देखा था तो मुझे लगा था कि मूवी जबरदस्त होगी, और मैंने ये एक्सपेक्टेशन लेके ये मूवी देखनी शुरू की थी। बट वो होता है ना कि किसी भी बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें मूवी के साथ भी लागू होती हैं कि भी किसी भी मूवी को उसके ट्रेलर से जज नहीं करना चाहिए कि मूवी अच्छी होगी या बुरी होगी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कड़क मूवी के बारे में। देखो कड़क ये प्रोनंसिएशन सही है या नहीं वो देख लेना। इसे डायरेक्ट और राइट एक इंसान ने किया, रजत कपूर ने। इसके अंदर कास्ट है रणवीर शौरे, रजत कपूर, पलोमी घोष, मानसी मुल्तानी और बाकी अन्य कलाकार। ये मूवी एक डार्क कॉमेडी है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ये मूवी के बारे में लिखा गया है। चलो कहानी की बात कर लेते हैं। कहानी शुरू होती है एक डोरबेल बजने के साथ। सुनील जिसका घर है, जिसकी डोरबेल बजी है, तो वो बाहर आता है तो कोई राघव करके उससे कोई मिलने आया है। जब राघव उसे अपने बारे में थोड़ा बहुत इंट्रो देता है कि वो छाया का पति है, तब सुनील उसके बारे में पहचान लेता है। सुनील जो है उसका अफेयर चल रहा होता है राघव की पत्नी छाया के साथ। तब वो राघव जो है इन दोनों के बारे में भी जान चुका है कि सुनील और छाया का अफेयर चल रहा है, और वो इसी के बारे में बात करने आए। तो दोनों अंदर जाते हैं, बात करने बैठते हैं, काफ़ी देर नॉर्मल बातें होती हैं, और ये जो कन्वर्सेशन होती है ना यार, ये बड़ी ज़बरदस्त होती है। यही मैं कहूँगा कि यही जो चीज़ थी, यही देख कर मैं ये मूवी देखने बैठा था। तो कुछ एक देर बाद कन्वर्सेशन होने के बाद जो राघव है वो अपने बैग में से गन निकाल लेते हैं, और गन निकाल कर अपने आप को ही शूट कर लेते हैं। सुनील की फट जाती है, और वो अब अपने घर में एक लाश को पाता है कि जो एक घर में आया, अब कौन उसकी बात मानेगा कि एक इंसान उसके घर में आता है, वो अपने आप को गोली मार लेता है। उसको यही डर लगा रहता है कि अब पुलिस के फोन करे तो पुलिस उसे पकड़ लेगी। और अब जो चीज़ें, अब जो सिचुएशन क्रिएट होने वाली थी कि भी सुनील की जो पत्नी है वो अब घर पे आने वाली थी, और इसी दिन दिवाली है, और सुनील के जो दोस्त हैं वो भी उसी दिन यानी इसी दिन घर पे आने वाले हैं पार्टी के लिए, क्योंकि पार्टी दे रखी है। मैं सच कहूं, मुझे इस मूवी का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज जो मुझे इसकी लगी वो थी इसके अंदर परफॉर्मेंस। यानी रणवीर शौरे की जो परफॉर्मेंस थी वो कमाल की थी। अकेले इसी इंसान की नहीं, बाकी सभी कलाकारों की जो इन्होंने इसमें अपनी परफॉर्मेंस दी है वो जबरदस्त थी। कि अब एक इंसान के सामने यानी सुनील के सामने जिसे प्ले किया रणवीर शौरे ने, यानी यहाँ पर जो सिचुएशन क्रिएट होती है कि उसकी पत्नी अब घर पे आने वाली है, उस लाश को वो कैसे छुपाएगा, आज दोस्त उसके घर पे आने वाले, ये जो सिचुएशन जो बनती है, ये जो टेंशन उसके चेहरे पे जो बनती है वो कमाल की थी। मतलब जिस तरीके से वो दिखाया गया, उसको एक्सप्रेस किया गया, कमाल की चीज़ थी यार वो। खैर, सुनील की वाइफ जब घर पे आती है तो सुनील उसके बारे में बताता है कि ये जो एक आदमी आया था इसने अपने आप को गोली मार ली। और सुनील यहाँ पर एक्चुअल जो रीज़न है वो नहीं बताता कि इसका नाम राघव है और इसकी पत्नी के साथ सुनील का अफेयर चल रहा था, ये सब चीज़ें नहीं बताता। बल्कि वो ये कहता है कि ये जो राघव है उसका नाम, वो झूठ में नाम बताता है कि उसका नाम आनंद है, और उसने उसे अपने ऑफिस से निकाल दिया था इसलिए डिप्रेस में आके उसने अपने आप को गोली मार दी। वो इसलिए नहीं बताता क्योंकि भाई उसको इस चीज़ का डर होता है कि उसकी वाइफ उसे छोड़कर ना चले जाए। अब यार यहां पर एक चीज जो मुझे ना काफी इंटरेस्टिंग जो लगी कि यार एक इंसान के सामने यार इससे ज्यादा और यानी वर्स्ट सिचुएशन और क्या हो सकती है कि एक आदमी के सामने एक लाश पड़ी है उसके घर में, और उसको उसको अब कैसे उसे हैंडल करना है, इस चीज़ की टेंशन नहीं है। मतलब टेंशन है, इतनी टेंशन नहीं है कि उसकी वाइफ को ये सच्चाई पता ना चल जाए कि उसका अफेयर चल रहा था। और फिर ये कहते हैं कि ये देश जो है पुरुष प्रधान देश है, जबकि यहाँ पे हर शादीशुदा आदमी अपनी औरत से डरता हुआ मिलता है। तो अब दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर उस बॉडी को ठिकाने लगाते हैं। मतलब ठिकाने क्या, उसी घर में अपने बेडरूम में उसको रख देते हैं कपड़ों में छुपा कर, क्योंकि अभी उसके दोस्त हैं जो आने शुरू हुए हैं, एक एक करके आने शुरू होते हैं और पूरा घर भर जाता है। और अब यहाँ पर यार फिर से वही एक सिचुएशन फिर बनती है रणवीर शौरी। मतलब इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस मुझे लगी जो वहाँ पे हो रही थी, जो कैसे इंसान के ऊपर मेंटली वो परेशान होता है कि यार घर में एक लाश पड़ी है, यहाँ पे ये दोस्त आए हुए हैं, कैसे इनको निकालूं, कैसे ये जो पार्टी ख़त्म होगी कैसे उनके साथ मैं चिल आउट करूँ कि भी इनको शक ना हो, ऐसे उधर उसकी वाइफ, यानी ये सब चीज़ें अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करना, बल्कि ये हो नहीं पा रहा उनसे। अब कैसे सुनील जो है अपने दोस्तों से इस बॉडी को छुपाता है, और कैसे वो इसको ठिकाने लगाता है, या फिर उसकी वाइफ को उसके बारे में पता चलता है कि भाई एक्चुअल में ये कौन था, ये सब चीज़ें जो हैं ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। मैं ये चीज़ें इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं किसी को स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ,
आपका इंटरेस्ट मैं ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। अब ये तो थी इस मूवी की कुछ अच्छी बातें, अब जाहिर सी बात है मूवी के अंदर कुछ नेगेटिव पॉइंट जो हैं जिसने मुझे निराश किया। पहली चीज़ जो थी कि मैंने इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके ये मूवी देखने बैठा था कि हाँ भाई इसकी एंडिंग जो होगी वो डिफरेंट होगी, बट सबसे ज़्यादा निराश करने वाली जो चीज़ मुझे इसके अंदर लगी वो इसकी एंडिंग लगी। हाँ इसके अंदर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, इसके अंदर स्टोरी जो है वो हमें डिफरेंट देखने को मिलती है, बट वही कि कुछ लोगों का जो इसके अंदर अपीयरेंस था हमें नहीं लगता कि इन चीज़ों अगर ये जो लोग नहीं होते तो इसमें कुछ फ़र्क भी पड़ता। लास्ट में जो एंडिंग जो इसमें दिखाई गई वो हमें उतनी सेटिस्फाई नहीं करती, और जो इसे डार्क कॉमेडी कहा गया है, डार्क कॉमेडी के अंदर मैं कहूँगा कि कुछ एक जगह हमें हाँ कि फील होता है कि इसके अंदर डार्क कॉमेडी है, लेकिन बाकी जगह हमें बिल्कुल भी रत्ती भर भी फील नहीं होता कि ये डार्क कॉमेडी है। तो यहाँ पर ये वीकनेस है इस मूवी की। हाँ तो कुल मिलाकर एक्टिंग और स्टोरी के मामले में ये मूवी काफ़ी अच्छी है, लेकिन डार्क कॉमेडी जो इसका जॉनर जो है इसे बताया गया है कि डार्क कॉमेडी है, और लास्ट की जो एंडिंग है और कुछ एक लोगों की अपीयरेंस जो है, इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें ये निराश करती है। बाकी जो भी इंसान या भी जो भी इसको देखने की सोच रहे हैं तो मैं उनको एक बात बता दूं कि ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन लिए बगैर ये मूवी देखने बैठना, क्योंकि आप अगर इसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके बैठोगे तो ये निराश ज़्यादा ही करेगी। कम एक्सपेक्टेशन होगी, कम उम्मीदें होंगी तो उतने ज़्यादा हर्ट नहीं होंगे। मैंने बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा ली थी, बट ठीक है मैं इस मूवी को देना चाहूँगा 5 out of 10 star। अगर किसी ने ये मूवी देख ली तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि आपको इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ख़राब चीज़ इसके अंदर क्या लगी। खैर बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।